हेलो गाइस एंड कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इस टाइप की एस लोगो डिज़ाइन करना सिखाने वाला हूँ, वो भी प्रॉपर तरीके से इसी टाइप की होगी भाई। तो मैं इस बात की आपको फुल गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप का जो लोगो है प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन कर पाओगे, और नहीं कर पाए तो भाई चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कावक गवाए। तो गाइस सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना स्क्वायर की इसको साइज इंक्रीज कर देनी होगी। तो इंक्रीज करने के लिए इसको क्या करना होगा, फोर्थ वाले आइकॉन में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने बाद इस इमेज साइज वाले आइकॉन में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने बाद आपको कस्ट्यूम में क्लिक करके फोर्थ नंबर पर यूट्यूब थंबनेल वाले साइज को सिलेक्ट कर आप जैसे ओके में क्लिक करोगे तो यहाँ से आपकी जो साइज है बिल्कुल सही इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी आपको क्या करना होगा, इस न्यू टेक्स्ट को यहाँ पर अभी यहाँ पर कॉर्नर पर यहाँ पर सेट कर देना होगा अभी के लिए। फिर स्क्रीन पर कहीं पर भी आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। तो अभी आपको क्या करना होगा, इस ऑक्टागन वाला आइकॉन में क्लिक कर देना होगा। तो बेसिकली क्या करने वाले हैं कि हम एक पीएनजी सिलेक्ट करने वाले हैं जो एक सर्कल शेप में बट साइड में उसकी जो वीट भी है थोड़ी बहुत, मतलब कि हाँ वीट है। तो उससे पहले सिलेक्ट करने के लिए पीएनजी को तो अभी आपको इस इम्पोर्ट वाले आइकॉन में बिल्कुल सही क्लिक कर देना होगा। तो इनके जैसे आप इसमें क्लिक कर ले तो यहाँ से आपकी जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी, प्रॉपर गैलरी। तो अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ से वो वाली पीएनजी आपको सिलेक्ट कर देनी होगी जो आप, मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई सर्कल है उसके सामने, और सामने नहीं वही सर्कल है। तो मैं सिलेक्ट करके दिखा लेता हूँ आपको यहीं पर। तो चलो गाइस इधर फाइनली अभी आप देख सकते हो कि जब मैंने पीएनजी सिलेक्ट किया हूँ साइड में से इसके डॉट भी हैं थोड़े बहुत, मतलब कि डॉट्स की वो है सर्कल है। तो ये आपको मिल जाएगी पिक्सार्ट ऐप पर, आप दिक्कत मत कीजिएगा। आप सिंपल से ये नहीं टाइप करना आपको कि भाई लोगो, तो यहाँ पर आपको सिंपल से मतलब के सर्कल नहीं टाइप करना पिक्सार्ट ऐप पर, वहाँ पर आपको सिंपल से लोगो टाइप कर देना होगा। तो ये वाली आपको जो है थर्ड या फोर्थ नंबर पर मिल जाएगी। तो इसको सेलेक्ट करने मतलब आपको रिलेटिव पोजिशन वाला आइकॉन में क्लिक कर देना होगा, दो बीच वालों में क्लिक करके सेंटर पर इसको सेट कर देना जो कि ये पहले से ही था। तो फिर सिंपल से आपको राइट में क्लिक कर देना होगा, तो कर देना ऊपर से लेयर वाले आइकॉन में क्लिक करके इसको यहाँ पर आपको अभी के लिए लॉक कर देना होगा। लॉक करने बाद अभी आपको इस न्यू टेक्स्ट को यहाँ पर लेना होगा, और इसमें क्या करना होगा कि आपको डबल क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप क्लिक करो तो यहाँ पर आपका जो कीबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पर एस टाइप कर देना होगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर इसकी साइज इंक्रीज करके यहाँ पर आपको इसको सेट कर देना होगा। तो कर देने बाद अभी आपको इस टाइप से थोड़ा बहुत नीचे आ जाना होगा, जैसे कि फिलहाल मैं आ रहा हूँ। तो अभी आपको इस फॉन्ट वाले आइकॉन में क्लिक कर देना होगा। तो कर देने बाद इस पर आपको एक फॉन्ट लगा देना होगा जिसका नाम है बिल्कुल सही, फेक्कोन नाम का फॉन्ट है भाई ये रहा। तो ये वाला फॉन्ट इस पर आपको लगा देना होगा। अभी आप देख सकते हो साइड में से जो एस है थोड़ा बहुत कट गया है, क्योंकि ये भाई बहुत ही ज़्यादा वो है, लंबा सा फॉन्ट है भाई। तो इसको पूरा लाने के लिए अभी आपको इस पेंटिंग वाला आइकॉन में क्लिक कर देना होगा, और इस पेंटिंग को आपको यहाँ पर बढ़ा देना होगा, जैसे कि फिलहाल मैं बढ़ा रहा हूँ भाई साहब, दोनों को बढ़ाओ। चलो चलो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से इंक्रीज करके राइट में आपको सिंपल से क्लिक कर देना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको इसको एस को अपने को सेट कर देना होगा। तो कर देने में तभी आपको क्या करना होगा, सिंपल से यहाँ पर पहले इसी को ही सिलेक्ट कर देना होगा, यानी कि थोड़ा बहुत है और भी ऊपर कर देना होगा। तो सिलेक्ट करने बाद स्टेप से थोड़ा बहुत नीचे अगर टेक्स्चर वाला आइकॉन में क्लिक करके गैलरी में क्लिक कर देना होगा। तो बेसिकली मैं इस पर एक टेक्स्चर लगाने वाले हैं आयरन का, तो वो वाला आपको टेक्स्चर यहाँ पर सिलेक्ट कर देना होगा। अब आप सोच रहे हैं भाई टेक्स्चर कहाँ से ला सकते हो, भाई पहले मैं आपको बता रही हूँ पिक्सार्ट ऐप तो हैं, तो भाई डोंट वरी, तो मैं सिलेक्ट करके मिलता हूँ आपको दो मिनट में। तो चलो गाइस इधर फाइनली मैं एक आयरन टेक्सचर सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो जैसे आप राइट में क्लिक करोगे तो आपका जो इसका एस का कलर है वो यहाँ पर आपको प्रॉपर आयरन का देखने को मिल जाएगा, यानी कि इस पर टेक्सचर लग जाएगा। तो अभी आप उस यहाँ पर आपको एक इनेबल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इसको यहाँ पर सिंपल से इनेबल करके राइट में क्लिक कर देना होगा। तो अभी आपको क्या करना होगा कि सिंपल जो ऊपर लेयर वाला आइकॉन में क्लिक कर इसको अभी आपको अनलॉक कर देना होगा, और एस को लॉक कर देना होगा। तो सिलेक्ट कर देना इसको, मतलब इसको सिलेक्ट कर देना होगा। फिर स्टेप से थोड़ा बहुत नीचे आकर टेक्सचर के बाद गैलरी, फिर इस पर भी हम टेक्सचर लगा देने वाले हैं बिल्कुल सही गोल्ड का। तो सिलेक्ट करके मिलता हूँ आपको यहीं पर। चलो गाइस इधर फाइनली मैं गोल्डन टेक्सचर भी सिलेक्ट कर लिया हूँ, ये भी आपको पिक्सार्ट ऐप पर मिल जाएगा। तो इसको भी यहाँ पर इनेबल करके राइट में आपको क्लिक कर देना होगा। तो अभी आपको क्या करना है, ऊपर से लेयर वाला आइकॉन में क्लिक कर राइट रॉन्ग में क्लिक कर इन दोनों को सिलेक्ट कर यहाँ पर आपको इस तीर वाला आइकॉन में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने वाला भी आप देख सकते हो, पढ़ लेना भाई, आर यू श्योर आर यू वांट टू मर्ज दी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही, हमने इसको मतलब इन दोनों को मर्ज कर दिया आपस में, कंबाइन भी कह सकते हो आप। तो अभी आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर छोड़ देना होगा। तो अभी आपको इस फोर्थ वाले आइकॉन में क्लिक कर फ्रॉम गैलरी में क्लिक कर देना होगा। तो फ्रॉम गैलरी में क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना होगा, बिल्कुल सही, वो भी आपको पिक्सार्ट ऐप पर ही मिल जाएगा। तो मैं सिलेक्ट करके मिलता हूँ आपको यहीं पर।
चलो गाइस यार फाइनली अभी आप देख सकते हो मतलब कि मैं एक मस्त बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया हूँ भाई, और ये दोनों तो एकदम बढ़िया ही लुक डाल रहे हैं इस मतलब कि लोगो और बैकग्राउंड, तो भाई लुक दोनों की तगड़ी आ रही है भाई। तो अभी आपको कलर फिल्टर्स वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा, इसकी सेचुरेशन आपको 100 करके राइट में सिंपल से आपको क्लिक कर देना होगा। थोड़ा बहुत नीचे अगर 3D शेप वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा, इसको यहाँ पर आपको इनेबल कर देना होगा। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो थोड़े बहुत मेरे एंड्रॉयड में आपके में शायद नहीं होंगे, तो मतलब कि 3D प्रॉपर नहीं हो रहा, बात सीधी है। तो अभी आपको थोड़ी बहुत इसकी साइज इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो ये प्रॉपर एकदम भाई बढ़िया बन जाएगा। तो इसकी जो वो है अभी डार्कनेस है उसको यहाँ पर प्रॉपर रख देना होगा, बिल्कुल सही 41% कर देना होगा, मतलब कर देना होगा। फिर सिंपल आपको राइट में क्लिक कर देना होगा, तभी आपको शेडो वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा, यहाँ पर इनेबल कर देना होगा इसको। इसकी जो ब्लर रेडियस है यहाँ पर आपको 25 कर देने की, एंड ऑफसेट एक्स उसको कर देना होगा बिल्कुल सही 16% और ऑफसेट वाई को 11% करके राइट में क्लिक कर देना होगा। तभी आपको उस इनर शेड वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा, इसको इनेबल कर देना होगा। इसकी जो ब्लर रेडियस है यहाँ पर आपको 1% रख देनी होगी, एंड इसकी जो ऑफसेट एक्स है उसको 3% आई थिंक ठीक होगा। तो अभी आपको इतना कर देना, अभी आपको जो ये 3 नहीं कर देना होगा भाई, इसको कर देना होगा प्रॉपर 2% ये येल्लो और येल्लो। तो अभी आप देख सकते हो आपका जो लोगो है प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। तो अभी आपको रिलेटेड पोजीशन वाला आइकन में क्लिक करके उसको सेंटर पर सेट कर देना होगा। तो चलो गाइस इधर फाइनली अभी आप देख सकते हो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था भाई वही लोगो ना होना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अगर आपको लोगो पसंद आया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस चैनल की थोड़ी बहुत हेल्प हो सके और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक भी मतलब के पहुंच सके जब भी मैं अपलोड करूँ। तो चलो गाइस इधर फाइनली इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही, मिल देंगे वीडियो में, बाय बाय।